जलंधर के बस्ती गुजा की रहने वाली गुंजन अरोड़ा नाम की लड़की ने अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए जलंधर की पहली महिला प्रोफेशनल पायलट होने का गौरव प्राप्त किया। गुंजन अरोड़ा के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। गुंजन को बचपन से ही कुछ अलग करने के शौक ने उसे इंजीनियर बनने के बाद पायलट बना दिया। बेटी के पायलट बनने के बाद परिवार का सर ऊंचा हो गया। ब्यूरो फिर अचानक जालंधर। सबसे पहले बताएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कहां? अभी तो खैर मैं कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे फ्लाइट्स वगैरह कुछ डिलेड चल रही हैं सब, तो उस वजह से आई एम जस्ट वेटिंग कि इंडिगो अब फिर से मुझे बुलाएगी और एंड आई विल जॉइन अगेन। आपकी स्टडी के बारे में बता दीजिए। ठीक है, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जालंधर, यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई, कॉलेज फिर मैंने इंजीनियरिंग की है थापा यूनिवर्सिटी से, फिर 2013 टू 2017 बैच, 2017 में पास आउट करके जॉब इतनी अच्छी नहीं लगी, इंटर्नशिप किया कुछ पसंद नहीं आया, सोचा पैशनेटली कुछ करना चाहिए, तो मम्मा से डिस्कस किया, शी सपोर्टेड, थैंक गॉड उन्होंने सपोर्ट किया, और फिर ये एविएशन में मैं चली गई और 2018 जुलाई में मेरे पास CPL था मेरा, विच इज़ द कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस। एक इंजीनियर को पायलट बनने में कई दिक्कतें आई होंगी, क्या क्या दिक्कतें आई थी, वो किस तरह से आपने हैंडल किया? दिक्कत तो वैसे मैं कम कहूँगी, बिकॉज यूजुअली पायलट्स जो होते हैं वो 18 साल के बाद बन सकते हैं, ये उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू बी अ पायलट। इंजीनियरिंग करके तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए और आसान हो गया, बिकॉज आई हैव सीन द वर्ल्ड, मैं लोगों को मिल चुकी हूँ, मुझे पता है लोग कैसे होते हैं, हाउ टू हैंडल पीपल, मतलब मेहनत करने की वो आदत सी है जैसे लग गई थी, ऐसे बचपन नहीं कि मम्मा ध्यान रख रहे हैं कपड़ों का, खाने पीने का, सब कुछ अपने आप की केयर करनी मुझे आ गई थी कॉलेज जाके, तो उससे मुझे लगता है कि फायदा हुआ था। अभी आप को-पायलट की कर रहे हैं किसे? नहीं, अब मैं, मेरे पास CPL लाइसेंस आ गया था 2018 में, उसके बाद मैंने 1 साल 3 महीने के आसपास फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की तरह जॉब की है, विच मीन्स कि मैं लोगों को प्लेन चलाना सिखाती थी, प्लेन सीखने के बाद मैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई, तो वहाँ जब जॉब की उसके बाद मेरी उसी दौरान मेरी इंडिगो में जॉब लग गई, तो फिर वो इंडिगो की ट्रेनिंग अभी ख़त्म की, बट फिर कोरोना वायरस आ गया अभी। तो अभी तक आप क्या देश में ही फ्लाई कर चुके हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैं इंडिया में ही फ्लाई करती हूँ, और मेरे पास 1200 आवर्स हैं फ्लाइंग आवर्स अभी इस टाइम पे। पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे रहा? मुझे लगता है कि अगर पायलट बनी हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मामा पापा की वजह से, बाकी सब बहुत लोग ऐसे मिले थे, अरे क्यों जाना है इस लाइन में, लड़कियाँ थोड़ी ना जाती हैं, कितना मुश्किल है, शादी कैसे होगी, बच्चे, ये वो, मतलब आगे की लाइफ सोचो, बट नहीं, मॉम डैड ने सपोर्ट किया, तो इस वजह से मैं इस लाइन में, मुझे लगता है इसका बेटर आंसर मम्मा ही दे पाएंगे। तो बचपन में कभी सोचा था कि आप पायलट बनोगे? नहीं नहीं, बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था। तो फिर किस तरह लग रहा है अभी इस समय, आप क्या लड़कियों को मैसेज देना चाहेंगे जो घर में बैठे हैं, वो बाहर नहीं आ रहा, एक्सपोजर नहीं मिला, खास करके पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज देना चाहिए? लड़कियों से ज्यादा तो मतलब पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एक लड़कियों को बून, एक बून की तरह समझो आपके पास है, कोई डिस्गाइज नहीं है, बल्कि मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी और बता देती हूँ। जब मैं, हम दो बहनें हैं, जब मैं पैदा हुई थी मैं छोटी बहन हूँ, मतलब छोटी बेटी हूँ मैं, तो जब मैं पैदा हुई थी 25 साल पहले, तो मेरे घर पे मातम का माहौल बना हुआ था, चाहे दादी हो, मासी हो, बुआ, मतलब एवरीबडी इन द फैमिली के, अरे दूसरी भी बेटी हो गई, क्या करना है, ये क्यों, बेटा होना चाहिए था, पक्का कुछ बुरे कर्म किए होंगे मॉम डैड ने, मतलब बहुत कुछ ऑब्वियसली सुना था मैंने, तो अब सुना है ये सब, बट उस टाइम पे उन्होंने फील किया तो वो तो काफ़ी ख़राब था, बट उस टाइम पे डॉक्टर ने उन्हें बोला, मम्मा को, कि जब ये बड़ी होके आपका नाम रोशन करेगी ना, फिर देखना सब आएंगे ये लोग कि हमारी बेटी है, हमारी भांजी, हमारी भतीजी, हमारी ये, तो मुझे लगता है बस सबकी कृपा थी कि बस भगवान ने इन सबके मुंह पे ऐसे बताना था कि बेटियों की कदर करो, किसी के आने पे ऐसे दुखी मत हो, जो आए खुश खुश। बात आप कर रहे हैं कि उनके व्यवहार में अभी फर्क पड़ा, क्योंकि जब आप पायलट बन चुके हैं, क्योंकि और आपको एक सम्मान हासिल हुआ है कि जलंधर में पहली पायलट? नहीं, वो तो डेफिनेटली फ़र्क तो सब में ही आता है, बट ऐसा नहीं है कि पायलट बनने की वजह से आया, मुझे लगता है कि मेरा बिहेवियर बचपन से ही मुझे सबने प्यार किया, ऐसा नहीं है कि मुझे सब दूर करते थे, बट हाँ बचपन में भी मुझे प्यार मिला ही है, सब प्यार करते ही थे। अगर फ्यूचर की बात करें तो आपके मन में क्या इच्छा है कि क्या करना चाहेंगे?
अभी के लिए तो इतना ही सोचा था जितना मिल गया पायलट बनने का, अभी इसी लाइन में आगे और अचीव करेंगे तो फिर आगे देखते हैं। जी आपका नाम? वीना अरोड़ा। वीना जी बताइए, अभी आपकी बेटी ने पायलट बनी है, किस तरह से, क्या पहले, सबसे पहले क्या महसूस हो रहा है कि आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया? देखिए, वैसे तो लोग बेटियों को लेके बहुत कंजर्वेटिव होते हैं कि बेटी है बेटी है, पर मेरी दो बेटियां हैं और मैं दोनों पे बहुत प्राउड फील करती हूँ और इसने तो मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है। मतलब अब पहले मैं एज ए प्रोफेसर वीना अरोड़ा के लोग मुझे बुलाते थे, तो अब मुझे लगता है कि लोग मुझे इसके नाम से जानते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कैसे इनके मन में आया, तो आपने किस तरह से सपोर्ट की, क्योंकि एक इंजीनियर से सीधा दूसरी तरफ चले जाना, तो किस तरह से सबसे पहले क्या लगा था आपको? इसने एक्चुअली जब इसको प्लस वन प्लस टू इसने नॉन मेडिकल में करी ना, तो इसके दिमाग में थोड़ा सा हल्का सा आया था कि मैं पायलट बन जाऊं। तो मैंने इसको कहा कि नहीं बेटा, ग्रेजुएशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, एक बार टाइम निकल जाए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, पहले आप ग्रेजुएशन कर लो। मुझे लगा चल ग्रेजुएशन में चली गई है, अब भूल भुला जाएगी। तो मैंने इसको थापड़ में इसकी एडमिशन हो गई, तो जब इसने दो ढाई साल ही हुए थे तो इसने मुझे बोलना शुरू कर दिया, आपने मुझे ना गलत लाइन में भेज दिया। मैंने कहा चल कोई नहीं तू कर। फिर भी इसने अच्छे स्कोर से अच्छे ग्रेड से करी है इंजीनियरिंग, तो वापस आने इसकी इंटर्नशिप लग गई गुड़गांव में, तो मुझे ये कहती है कि मम्मा मैंने ये जो 8-9 घंटे का कंप्यूटर के आगे बैठने का काम है ना, ये मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं कहनी बेटा अब तो तुझे करना ही पड़ेगा। तो ये ना बहुत इंटर्नशिप में बहुत परेशान रही, कहती कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, ये करके इंजीनियरिंग पूरी आ गई। इसकी बेंगलोर में किसी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गई थप्पड़ से, तो इसने मुझे मना कर दिया, कहती मैंने नहीं जाना उस प्लेसमेंट के लिए, तो आप मुझे पायलट का देखो। तो हमने जब सर्च किया तो पायलट का कोर्स बहुत कॉस्टली था, मैंने कहा कि मुश्किल है थोड़ा। तो मैंने इसको कहा कि चल तू ऐसा कर, तू ना पीजी कोर्स कर ले कैनेडा या यूएस में जाके, मुझे था कि चलो इससे हट जाए। तो इसने एक बहुत सेंटेंस बोला और वो मुझे लगा कि नहीं मैं गलत, फिर दोबारा गलत ट्रैक पे जा रही हूँ। कहती है कि ठीक है अगर आप कहते हो मैं चली जाती हूँ पीजी करने चली जाती हूँ, लेकिन 2 साल बाद मैं फिर वही खड़ी होंगी जहाँ मैं आज खड़ी हूँ। मैंने कहा नहीं फिर ये तो कोई बात नहीं बनती है, 2 साल बाद मैं 25-30 लाख और लगाऊँ और तू फिर कहे कि मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब नहीं करनी। तो फिर हमने डिसीजन किया, सर्च की और सारा ढूँढा, तो फिर दिल्ली में ये कोचिंग ली इसने। तो फिर कानपुर जो गर्ग स्कूल है, गर्ग एविएशन है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, तो वहाँ से इसने ट्रेनिंग करी और CFI मयंक गर्ग के साथ उन्होंने इसको ट्रेनिंग करवाई है सारी, और बड़ी अच्छी सी ट्रेनिंग करके और 4-5 महीने में इसने कंप्लीट कर ली। उसके बाद ये इसका इतना था कि उन्होंने इसको एज ए इंस्ट्रक्टर रख लिया, तो वो कहते कि आप हमारे पास जॉब करो। फिर इसने 1 साल, जैसा कि इसने बताया ही आपको कि 1 year 3 month इसने वहाँ जॉब करी, फिर इंडिगो ने इसको टाइप रेटिंग के लिए बुला लिया। टाइप रेटिंग जो एयरबस है 320 इंडिगो की, उसकी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, वो फिर इसने 2 months की 45 days की वो कंप्लीट करी है जनवरी फरवरी में। 5 January को इसने ज्वाइन करी थी और 28 February को इसकी ख़त्म हुई है, और उसके बाद ड्यू टू कोरोना वी आर वेटिंग के इसको वो बुलाएंगे। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि लड़कियों को लेके एक होता है, तो अभी क्या लग रहा है कि अभी तो अच्छा बढ़िया नाम आप करो? नहीं, मुझे जब इसका बर्थ हुआ था ना, तब सोसाइटी को सोच के मेरे को हल्का सा फील हुआ था, उसके बाद तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। मतलब आज ही एक मुकाम पे पहुंच गई है, मुझे तो कभी भी फील नहीं है। रादर इसके आने के बाद मुझे लगा कि लोग तो कहते हैं ना कि बेटियां होने के बाद वैल्यू कम होती है, इसके आने के बाद मेरी वैल्यू बढ़ी। मतलब मैं प्राउड फील करती हूँ कि इसके बर्थ के बाद मेरी वैल्यू घर में, क्योंकि इसने मुझे बचपन से ही प्राउड फील करवाया। मतलब छोटे होते से ही लेके सेंट जोसेफ में इसने 10th करी है, देन +1 +2 MGN में करी है, तो बहुत अच्छी एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छी रही है, बड़ा पार्टिसिपेशन रही है। मुझे कभी नहीं लगा, मुझे हाँ वो पल हल्का सा लगा था, मतलब जब इसका बर्थ हुआ है हल्का सा लगा था, पर लेकिन उसके बाद तो मैं, इसने मेरी लाइफ चेंज करी है। इसके आने के बाद मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ। जैसे लोग करते हैं कि लड़की को लेके, तो अभी आप उनको भी मैसेज देना चाहेंगे वो कि घर में नहीं रखनी चाहिए लड़की को बाहर
जैसे लड़के को भेजते वैसे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें पेरेंट्स को बेटियों पे भी उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना हम लड़कों पे करते हैं। जैसे हम लड़कों को सोचते हैं ना, कोई नहीं ये बाहर जा रहा है कोई बात नहीं, हम फेथ करके उसको भेजते हैं, हमें लड़कियों को भी भेजना चाहिए। मतलब समाज में मुझे लगता है कि लड़कियों का कोई कसूर नहीं है, हमें लड़कों को समझाना चाहिए। जो समाज में जो भी हमारे जो भी धारणाएं गलत बनी हुई हैं, उसके लिए हमें केवल, मुझे लगता है कि हम लड़कियों को तो बहुत कुछ सिखाते हैं, तू ऐसा ना कर, तूने अगले घर में जाना है, तू ऐसा ना कर, तूने अगले घर में जाना। ठीक है, वो एजुकेशन हमें देनी चाहिए, वो मैं ये नहीं कह रही कि हमें उस एजुकेशन से पीछे हो जाना चाहिए, वो देनी चाहिए, पर हमें इक्वल लड़कों को भी समझाना चाहिए और बेटियों पर विश्वास करना चाहिए। मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स विश्वास नहीं करते ना, फिर बच्चे कहीं ना कहीं झूठ भी बोलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और ये इसके ऊपर मैं इसलिए प्राउड फील करती हूँ कि ये अपनी हर बात हर चीज़ मेरे साथ शेयर करती है, ईच एंड एवरीथिंग ये मेरे साथ शेयर करती है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये कहीं भी जाए, फ्रेंड्स के साथ जाए, मुझे पता है, उसको पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मम्मा को पता है, ये जहाँ होती है मुझे पता होता है ये कहाँ है। मतलब ये हमें बताए बिना कभी इधर उधर कभी नहीं, मतलब उसको अपने, हमें उस पर विश्वास है तो वो हमारा विश्वास कभी तोड़ती नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सर की कहना थी, बेटी ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, की महसूस हो? मेरे कहना सारे समाज के बच्चे पढ़ाना चाहिए जी, सारे बच्चे पढ़ने चाहिए, हर एक बच्चा अगे बढ़ना चाहिए जी। जो सब तो पहली बार इन्हें क्या पायलट बनना है, क्योंकि आम तौर पर जो गल की जाए परिवार अगे नहीं बढ़ता, खास करके कुड़ियों डर लगता है कि भेजना, तुम उदो की सोच के इन्हें अगे भेज बहुत अच्छी गल है जी।